हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो कैसे हो आप सब। मेजर लीग सॉकर का मैच होगा सुबह सुबह, बट सुबह मैं इसकी टीम तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप समझो मेरी बात को भाई, समझो ठीक है। तो बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक होगा तो कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डालने का, लेकिन अगर लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्टली सर्च करके जुड़ जाना। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करूँ इस मैच की, तो यहाँ पर जो टीम स्ट्रॉन्ग है वो है पीयू। मेरे नज़रिए में पीयू टीम के जीतने के चांसेस है 70% इस मैच में अकॉर्डिंग टू दिस। और अगर मैं बात करूँ सीआईएन के विनिंग रेशियो की, तो वो है 30% विनिंग रेशियो के साथ उतरेगी। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा गोलकीपर की, तो गोलकीपर पे मैं हर बार की तरह इस बार भी ले रहा हूँ वन सिंगल डेंजरस रिस्क। के वैरमियर को लिया है मैंने यहाँ पे, बट आपकी नज़र में ये रिस्क है बहुत बड़ा, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा सेफ है। एंड आगे से बात करूँ डिफेंडर की, जे इलियट का ये सीज़न बहुत अच्छा चढ़ा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सूरज चढ़ा, मतलब लिटरली इसके लिए तो वही हुआ है कि नया सूरज चढ़ा है इसके लिए। मतलब बंदे का सीज़न रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, और इसने इस साल एक सीज़न के अंदर इसी सीज़न में गोल भी लगाया है, जो कि एक डिफेंडर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो लिटरली इट वॉज प्लेइंग वेल और कोशिश करता जा रहा है, और मैंने आपको पहले भी बोला कि कोशिश करने वाले की हार होगी नहीं। तो भाई ये प्लेयर आज के मैच में भी अच्छी परफॉर्म करता दिखेगा। वॉगनर की बात करूं, काई वॉगनर दो बार से फ्लॉप जा रहे हैं, तो कई लोग जज करेंगे कि दैट ये प्लेयर फ्लॉप जाएगा। मतलब कई लोग बोलेंगे, मैं नहीं, लेकिन अगर मैं आपको एक अच्छी राय दूं, सो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब ये मत हो कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आप अपनी टीम में ज़रूर लो, क्योंकि सेकेंड डिफेंडर है, मेन है, पीयू टीम के जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो मैंने उस नज़रिए से लिया, नहीं तो मैं चाहता मैं भी ड्रॉप कर सकता था, सेफ जा सकता था। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे ओलिवर मवेजियो, ये थर्ड डिफेंडर है और थोड़ी ज़्यादा फॉर्म में लगता है। और साथ ही साथ क्या है कि सिलेक्शन कम है, तो काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब हमें बहुत ज़्यादा एज अ की प्लेयर काम आ सकते हैं। आगे से बात करूं जी वलेशलिया की, पिछले मैच में गुस्टावो ने गोल कर ही दिया, फोर्थ डिफेंडर था। 10 बार बोलता हूं कि फोर्थ डिफेंडर ले लो, मानता हूं वीडियो मैंने इस मैच की शायद नहीं डाली थी, लेकिन 20 बार अलग बोला था कि फोर्थ डिफेंडर ले लेना, लेकिन नहीं, अनसुना करी लोगों ने और उसी के साथ मतलब खुद खा लिया सबसे बड़ा गोल। लेकिन नहीं, समझो भाई, हर बार गलती मत करो। एंड आगे से बात करूं मिडफील्डर की, यहां से लूंगा नॉर्मल प्लेयर पीयू का, जो कि अलेजेंड्रो। मुझे समझ नहीं आ रही कि अलेजेंड्रो ने पूरे सीजन के अंदर विदाउट सब्स्टिट्यूशन मैच खेला है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पूरे प्लेइंग 11 में हर बार प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग कर, लेकिन फिर भी उस बात का फ़ायदा नहीं उठाया इस प्लेयर ने। सारे प्लेयर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक प्लेयर असिस्ट कर रहे हैं तो दूसरा इंस्क्रिप्शन वॉन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इसने भी अच्छी मिडफील्डिंग की, लेकिन हमें गोल और असिस्ट से बहुत कुछ मतलब मायने रखता है। तो बात करूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस पिछले मैच में इस बंदे ने असिस्ट जरूर की थी, जो मैच ड्रीम 11 में ऐड नहीं हुआ था, तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ करेगा ये मैच में आ जाए। एले कोस्टा की बात करूँ, लुशियानो कोस्टा इज़ द सेफ प्लेयर। इसकी जगह जो लोग भाई अल्वेरो बैरियल को लेंगे, आई डोंट नो कि वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण हम नहीं जान सकते हैं। आगे से बात करूं मोंटेरियो की, तो मोंटेरियो इज़ अ नाइस चॉइस फॉर वाइस कैप्टन। असिस्ट रेशियो काफ़ी ऊपर, गोल रेशियो एवरेजली काफ़ी बेस्ट। तो आगे से बात करूं स्ट्राइकर की, तो यहाँ पे है मेन स्ट्राइकर कैस्पर गोल लगाता हुआ दिख सकता है आपको। और मैं मानता हूँ कि पिछले मैचेस के अंदर अगर इसकी सिलेक्शन डाउन भी थी, मान लो अगर है थी भी, बाकी नहीं थी वो तो मुझे पता है, अगर होगी भी तो भाई आज बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन किरदार निभाएगा। और आगे से बात करूँ सैंटोस की, देन सर्जियो सैंटोस इज़ अ मेन प्लेयर, और इसने लास्ट मैच के अंदर अच्छा खेला था। लोग पता नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, वो मेरे को समझ गया मैं क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको डिफेंडर लेना है, लेकिन मैंने देख लिया भाई आज के मैच में सारा कुछ। डिफेंडर का भी फायदा तब होता है जब दोनों तरफ से गोल ना हो, लेकिन जहाँ गोल होने शुरू हो गए वहाँ आपके डिफेंडर फ्लॉप हो जाएंगे, इसलिए उस चीज़ को भी सोचो। आप ये सोचते हो कि क्लीन शीट लगेगी, लेकिन आप ये नहीं सोचते अगर क्लीन शीट ना लगी तो क्या होगा, ठीक है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, ब्रैनर तगड़ी फॉर्म में इस सीज़न के अंदर, दो एक मैच में 2 गोल किए, प्लस सेकंड फोर्थ मैच में भी 1 गोल किया था। मतलब सीज़न की शुरुआत में 3-4 गोल कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा रेशियो है। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है कैस्पर, वाइस कैप्टन मोंटेरियो। चाहो तो वीसी ब्रैनर को रख सकते हो, पर इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं, अच्छी बात है, रिस्क नहीं लेना तो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।